मैं एज ए यूनिट हेड इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो एक नई योजना सरकार के द्वारा उजाला सिग्नल ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में दी गई है उसके संबंध में सूचित करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं ने उजाला सिग्नल ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है, आप लोगों का बहुत आभार उसके लिए। जो योजना है उसके बारे में अगर डिस्कस करें, योजना का नाम है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, जिसको हम UPCM फंड बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार या पेशेंट जिनके पास किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका इलाज डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, जिसकी एक प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं, वो एडवाइस करते हैं इनको इस बीमारी के लिए भर्ती होकर के इलाज कराना है, उसका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और सरकार को पेशेंट के आय प्रमाण पत्र जो मुखिया है उसका, या पेशेंट जो खुद मुखिया है अगर उसका, उसके साथ में फाइल सबमिट की जाती है DM ऑफिस में। वहाँ से पूरा प्रोसेस होकर के शासन में जाती है, शासन से उसका पैसा आता है और उसका फिर इलाज हम लोग करते हैं। ये प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके पास सरकार की किसी भी योजना, जैसे आयुष्मान हो गया, ESI हो गया, ECHS हो गया, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं, अगर उनसे संबंधित कोई योजना नहीं है तो उसका इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा फ्री कराया जा सके, ये योजना है। सर इसमें कोई एज फैक्टर भी है? एज फैक्टर कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। नवजात शिशु से लेकर के और 80 साल के बुजुर्ग तक का भी इलाज किया जा सकता है। इनमें वही इलाज किए जाते हैं जो प्लान्ड होते हैं। आकस्मिक चिकित्सा में UPCM फंड का इस्तेमाल पेशेंट के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रोड एक्सीडेंट हो गया, तुरंत ऑपरेट होना है, तो UPCM फंड में अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसका इलाज तुरंत करना है। ऐसी चीज़ें जैसे किसी का बाईपास होना है, THR घुटना बदलना है, कूला बदलना है, दिल में स्टंट पड़ने हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि 1-2 महीने में डलवा लीजिएगा, वो कर सकते हैं। पक्षाघात हो गया है किसी को, पैरालिसिस है, नवजात शिशु में कोई सर्जरी होनी है जिसके लिए रोका जा सकता है, बच्चों में कोई सर्जरी होनी है उसका कार्य हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन ट्यूमर का, तो ये वो बीमारियाँ हैं जो बहुत गंभीर हैं, कीमोथेरेपी जिसकी डायलिसिस होनी हो, तो ये सारी बीमारियाँ जिनमें हम UPCM फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रोगी उन पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है तो। स्कीम कब से लागू हो रही है और कब से शुरू हो रहा है? ये स्कीम पिछले महीने से लागू हो गई है अस्पताल में। अभी तक हम बहुत सारे पेशेंट्स को जो हमारे पास डायरेक्ट आए हैं, पैसा नहीं है, उनके पास आय प्रमाण पत्र था, उनको अप्लाई किया, उनका पैसा आया है। बहुत सारे पेशेंट का अभी तक हम इलाज कर भी चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। कितने मरीजों का इलाज? अब तक हम लगभग 50 के आसपास मरीजों का इलाज कर चुके हैं। इसमें आवेदन आप करेंगे या जो जिसको इलाज चाहिए वही करेगा? जो प्रक्रिया है उसमें जब फाइल यहाँ पूरी कंप्लीट हो जाएगी अस्पताल की तरफ से, उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का, एक एस्टीमेट, उनका इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे मिलकर के एक फाइल बनती है जो कि DM ऑफिस में स्वयं पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को उपस्थित होकर के जमा करवानी होती है। मैं यहाँ पे इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, बताइए ये जो सुविधा स्टार्ट की गई है अभी, जो जिसको UPCM फंड बोलते हैं, डॉक्टर प्रशांत ने जैसे आपको सब बताया होगा, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अलावा जितने भी इलेक्टिव प्लान्ड सर्जरीज या मेडिकल मैनेजमेंट की बीमारियां हैं उसके लिए इसकी सुविधा उठाई जा सकती है। ठीक है, अब जैसे अचानक से कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे पास आता है तो उसमें ये सुविधा अवेल नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि अप्रूवल की ज़रूरत होती है, पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, तो बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्टिव सर्जरीज या मेडिकल मैनेजमेंट की कोई भी चीज़ है उसकी सुविधा इसके अंतर्गत उठाई जा सकती है।